अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का करम है और मैं बना रही हूँ ये जी सेवैयाँ, और साथ साथ आपसे कुछ बातें शेयर करनी हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान में तीन बड़े तहलका खेज खबरें चल रही हैं, तीन बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। एक तो हुआ है जो कोका कोला में पॉइजनिंग या कैंसर है, कोका कोला जो डाइट है उसमें, और दूसरा जो है वो है वो जो सीमा वाला केस है उसका। तो कोका कोला जो ड्रिंक हम पीते हैं, हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में ये इंकशाफात जो हुए हैं वो WHO ने दिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वो ऑलमोस्ट ट्रू हैं। और कोका कोला सुना था कि जुलाई में बैन हो जाएगी, और उसके बाद जो दूसरा तहलका खेज इंकशाफ है वो है सीमा, जो कि सिंध की कराची की रहने वाली हैं, जो अपने खावन को छोड़ के चार अपने बच्चे लेके तो वो चली गई हैं इंडिया में। वो उनका ज़ाती मसला है, लेकिन माशरती मसला भी है, सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, इवन के मुल्क के लिए, कंट्री के लिए। तो ये जी बन गई सवैयाँ, बाकी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। तो जहाँ तक बात है सीमा की, तो सीमा जो है उसका कोई गुत्थी जो है ना वो सुलझ नहीं रही, इतनी उलझ गई है वो गुत्थी के कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वो चीज़ है और क्या उसने किया है कि इतने तीन चार बच्चे अपने छोड़ के, अपना हस्बैंड छोड़ के नहीं, बच्चे तो साथ लेके ही है, लेकिन हस्बैंड छोड़ के एक लड़के के लिए वो पबजी ऐसी गेम है जिसके लिए पहले भी पाकिस्तान में कराची से दो तीन लड़कियां पहले भी ऐसे ही गईं और वापस आ गईं। सुनने में आ रहा है कि सीमा भी वापस आ जाएगी, वहाँ की एक ऐसी जमात है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या कंट्री के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो वो उसे वापस भेज रहे हैं। लेकिन हॉरिबल सी सिचुएशन है और सब शस्तर हैं, हैरान हैं क्या है। कोई कहता है कि ISI की एजेंट है, कोई कहता है इराकी एजेंट, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, लेकिन ये क्या है, एक मुहिमा है। छः उसके पास मोबाइल फ़ोन है, पांच मोबाइल फ़ोन है, छः उसके पास पासपोर्ट हैं, और गरीब इलाके में रहने वाली। तीसरा हमारा टॉपिक है जी शान, शान मसाला के ख़िलाफ़ ड्रॉप कंडक्ट किया गया, और शान मसाला जो है ये बहुत ही अथेंटिक और बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, इसे हम घर में भी यूज़ करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं है, और ये वैसे ही ट्रेड जेलसी में किसी ने इसके ख़िलाफ़ अफवाह फैला दी है। तो शान मसाला एक बेहतरीन मसाला है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रही, लेकिन एक जो मुल्की इशू है, यानी मुल्क में हमारे एक जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो बात चली है या बात हुई है, क्योंकि शान मसाला तो यूरोप अरब इवन के इंडिया में भी बहुत मशहूर हो गया। तो ये एक इसकी ट्रेड जेलसी में किसी बंदे ने वैसे लिख दिया, जबकि शान मसाला बहुत अच्छा है और बहुत हम घरों में भी यूज़ करते हैं, एक बने बनाए हमें मसाला मिल जाता है जिससे हम अपनी चीज़ें बनाते हैं। तो साथ साथ ये मैं पौधों की भी ज़रा देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि मेड पे छोड़ दो ना तो कभी वो पानी डालती है तो कभी नहीं डालती, तो मैंने कहा इनको भी ज़रा देख लूँ कि कहाँ तक पहुँचे हैं बेचारे। मौसम अच्छा है, बरसात का मौसम है, लेकिन वो पानी जब तक ना डालें, दीवारों के साथ पौधे रखे हुए होते हैं तो ये फिर इशू बन जाता है कि ये मुरझा जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि अच्छे हैं। चलें जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, और दुआ करें कि हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारी आवाम, हमारे अहबाब सब सलामत रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।